गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 चल रहा है आपका लघुत्तम समापवर्तक। उसमें आपकी एक्सरसाइज 9.1 में कल हमने प्रश्न 2 किया था और प्रश्न 2 में आपको मैंने ठ तक बताया था। दो नम संख्याओं वाले जो थे आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से नीचे लिखी संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। उसमें ड तक मैंने बताया था। 3 संख्याओं वाला मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी, वो मैं कराती हूँ और फिर प्रश्न 3 करते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न ड जो है इसको और बता रही हूँ मैं। प्रश्न 2 का ड इसमें है 8, 12 और 18। तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 12 का निकालेंगे और 18 का निकालेंगे। तो देखिए 8 का 2 से करिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसमें 2 छिक 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। आप देखिए 8 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 18 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3। आप देखिए तीनों में समान आना चाहिए। तो देखिए इसमें ये आ रहा है और नहीं आ रहा है, देखिए बस यही आ रहा है, बाकी सबके अलग अलग हैं। तो देखिए जो 8, 12 व 18 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, तो हम ये इसको तो जो सब में आ गए समान है वो उसको हम एक बार लिखेंगे। बाकी देखिए 2 गुणा 2, इसमें भी 2 गुणा 3, फिर 3 गुणा 3। अब इनको गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 3 48, 3 3 9, 48 को 9 से गुणा कीजिए, 8 9 72 का 2 हासिल 60, 9 चौक 36, 36 और 7 कितने हो गए, 43, यानी 432 इसका लघुत्तम समापवर्त्य हो गया। तो इस तरह से आप इसके बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आप करेंगे। अब हम करते हैं प्रश्न 3। भाग विधि से नीचे लिखी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए। तो देखिए प्रश्न 3 करेंगे। अब देखिए प्रश्न 3, भाग विधि से नीचे लिखी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए। इसमें देखिए क्या करना है, भाग विधि ये भी इसी की जैसे ही है, लेकिन हमने प्रश्न 2 में अलग अलग इनके गुणनखंड निकाले थे, अब हम इनको एक साथ में निकालेंगे। जैसे देखिए प्रश्न क में है 12, 15 और 18, अब इनको हम एक साथ लिखेंगे। देखिए 12 कॉमा लगा के और तीनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। अब इसमें तरीका क्या होता है, जैसे अब देखिए 2 हम करेंगे, शुरुआत 2 से करेंगे। 2 की टेबल में जो जो नंबर आ रहे हैं, जैसे 12 और 18 आते हैं, 15 नहीं आते, तो जो संख्या नहीं आती उसको हम नीचे एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। देखिए 2 से हम कर रहे हैं तो 2 छिक 12, 15 का नहीं होता तो 15 को हम ऐसे ही उतारेंगे और 18 तो 2 9 18। आप देखिए ये संख्याएं जो है 6, 15, 9 किस से जा रही है, 3 से जा रही, तो हम 3 लिख रहे हैं यहाँ पे, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 3 9। अब देखिए अब ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्या हैं जो किसी से भी भाग नहीं जा रहा है, तो इनको हम जब तक करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाए लास्ट में। तो अब देखिए 2 से भाग देंगे हम इसको 1 और ये 5 और 3 लिख लिया। अब 3 से भाग देंगे, 1 तो है ही, 5 और ये 1, अब 5 से दीजिए 1 1 1, यानी इसके 12, 15 व 18 के लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गया। आप गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 तीय 36
और 36 को 5 से गुणा कीजिए, क्या आएगा 5 6 30, 5 से 15 3 18, यानी 180 इसका लघुत्तम समापवर्त्य हो गया। फिर देखिए और करते हैं हम इसमें प्रश्न, ख ख ले लेते हैं, चलिए प्रश्न ख, प्रश्न ख में है 14 21 और 35, 14 21 और 35। अब आप देखिए शुरुआत हम 2 से करेंगे, 2 से कौन सा जा रहा है, बस 14 जा रहा है, तो लिखिए कोई दिक्कत, 2 7 14 21 और 35। आप देखिए अब किससे जा रहा है इनका, हम कर सकते हैं अब 3 से कर लीजिए, चलिए ठीक है 7 लिख लिया, 3 7 21 और ये 35। अब आप करिए 7 से, चाहे तो हम 5 से भी ले सकते हैं, चलिए 5 ले लीजिए, 7 7 और ये 5 7 35 आ गया ठीक है। अब इसका हमें 14 21 35 का लघुतम समापवर्त्य क्या होगा, 2 × 3 × 5 × 7, 3 × 6 6 × 5 30 और 30 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 210, तो इसका लघुतम समापवर्त्य क्या हो गया 210। प्रश्न ग कर लेते हैं, प्रश्न ग में है आपका 16 24 28, 16 24 28, 16 24 और 28 है इसको, इसका निकालिए, 2 से भाग देंगे, 2 8 16 12 और 14, 2 से फिर दीजिए, 2 4 8, 2 6 12, 2 7 14, 2 से फिर जा रहा है, 2 2 4, 2 3 6 और 7, अब 2 से देंगे 3 आ जाएगा 7, फिर 3 से दीजिए 7, फिर 7 से देंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आप भाग देते जाइए। अब इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या हुआ, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा 2 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, अब इनको गुणा कीजिए, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 3 48, 48 को 7 से गुणा कीजिए, 4 5 7 4 28 28 और 5 33, यानी 336। तो इस तरह से आपको इसके लघुत्तम समापवर्त्य भाग विधि द्वारा करना है। तो देखिए इसमें और क्या करना है आपको, ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या होमवर्क क्या देना है, होमवर्क है आपका, आप इसमें प्रश्न झ तक करिए, क से लेके झ तक, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, बाकी बचे कितने, घ च छ ज झ, झ तक करिए ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर आगे के कल हम फिर करेंगे ठीक है। तो आपके डू क्वेश्चन क झ, प्रश्न क से झ तक करें ठीक है। प्रश्न 3 का है ये, 9.1 का प्रश्न 3 का, क से झ तक करें, ओके थैंक यू।